हेलो एवरीवन, मैं हूं नाज एंड वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आज मैं एक और पुरानी न्यारी का जायका आप तक पहुंचाने के लिए आई हूं। वैसे तो मैंने इस होटल की वीडियो पहले भी अपलोड की है, लेकिन वो शाम की थी, वो शाम का एक्सपीरियंस था। अभी मैं सुबह सुबह आई हूं, लेकिन हम लोग आने में थोड़ा सा लेट हो गए। यहाँ का जो पूरा गेम था वो खत्म ही हो चुका है। खैर कोई नहीं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी न्यारी दिखाऊंगी जो बहुत ज़्यादा पुरानी है। खैर फिलहाल हूँ मैं तुर्कमान गेट पर, और ये जो होटल है ये लगभग 70 से 80 साल पुराना है। ये तीसरी पीढ़ी है यहाँ पर जो निहारी लगाती है। खैर कैसा जायका इसका ये मैं आप तक पहुंचाऊंगी। अगर कोई मुझे मिला तो मैं उसका रिव्यू भी लूंगी, नहीं तो मैं खुद खाकर आपको उसका रिव्यू लूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरा सेटअप खत्म हो चुका है। थोड़ी सी निहारी बची है, उसको हम खाएंगे। तो आप वीडियो में सारे लोग फ्री हो चुके हैं काम से, और इधर हमारे मामू मामू ठीक है आप मामू मामू और इधर ये लोग भी फ्री हो चुके हैं ऑलमोस्ट काम से अपने। फ्री हो गए आप? और वो हमारे जो चचा जो उधर बैठे हैं, सबसे पुराना जो स्टाफ है वो इन लोगों का ही है, इनका इनका और इन लोगों का। और ये है इनका रोटी का सेटअप। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बड़ा प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा तंदूर है ये। और ये 2-in-1 है, इसमें पानी भी गर्म होता है और इसमें रोटियाँ भी बनती हैं। आप बोल रहे थे आप नहीं आएंगे वीडियो में, लेकिन आप आ गए। तो बात की जाए यहाँ के लोकेशन की, तो कुछ इस तरह से लोकेशन है यहाँ की कि ये इनका बड़ा पुराना सा होटल है, कोई साइन बोर्ड नहीं है इनका। और हज मंजिल से अगर आप बिल्कुल सीधा आएंगे तो बहुत ही फेमस मस्जिद है ये, कलहा मस्जिद। ये आपको दिख रही होगी मस्जिद, कलहा मस्जिद से ये बीच में एक बिल्डिंग है, उसके बिल्कुल बराबर में है। और अगर आप सीताराम बाज़ार से आएंगे तो बिल्कुल मस्जिद के बराबर में है, सेम एड्रेस है। ये देखिए, तो देखिए मैंने आपसे बताया था कि हम लेट तो हो ही चुके हैं, अगर कोई हमें मिलेंगे न्यारी खाते पे तो उनका हम रिव्यू जरूर लेंगे। तो सर से भी पूछते हैं, सर कहाँ से हैं? सर कहाँ से आए आप? ये पुरानी दिल्ली से आया हूँ। पुरानी दिल्ली से आए हैं, नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। मोहम्मद जाहिद भाई, कितने टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं तो काफी टाइम से आ रहा हूँ मैडम। सबसे जरूरी बात कि आपको यहाँ की निहारी कैसी लगती है? निहारी यहाँ की सुबह के टाइम में यहीं की खाता हूँ हमेशा। हमेशा जी, जब भी। और शाम के टाइम में? शाम के टाइम में यहाँ होता नहीं, मैं देर से आता हूँ घर। बाकी है सुबह मेरा दिन यहाँ से यहाँ खा के जरूर जाता डेली। तो आप एक बार एक बात और बताएं कि काफी पुराना होटल है ये, कितने काफी टाइम से आप यहाँ से निहारी खा रहे होंगे, तो सेम टेस्ट है या फिर कुछ चेंजिंग है? बिल्कुल नहीं बदला है, एकदम बिल्कुल नहीं बदला। चलिए सर, थैंक यू सो मच। और एक सर इधर भी खा रहे हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैं पुरानी दिल्ली से हूँ। पुरानी दिल्ली से, आपको कैसी लगती है यहाँ की निहारी? मैडम हम तो जब से पैदा हुए जब से खाई जा पैदा होती निहारी खाना शुरू, ये तो गलत बात है, पूछ लीजिए। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने, पैदा होती निहारी। ये बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू सर। देखो निहारी लवर हो तो ऐसे ही कि पैदा होती निहारी खाना शुरू, जब से हो सवाल है जब से नारी खाई जा। ये ठीक है, थैंक यू। एक भैया इधर भी बहुत तारीफ कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं, भैया अब बताएं आप। मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया नारी खाते खाते, रोज सुबह खाता हूँ 12 महीने। अच्छा, और नींद वाली बात जो बता रहे थे आप, और जब तक इनकी नारी ना खाओगे तब तक नींद नहीं आती हमारे को। अच्छा, सुबह में या शाम में? सुबह में। सुबह में नारी खा के सो जाते हो? हाँ बेशक। ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू। अभी एक सर और बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं, काफी तारीफ कर रहे थे अभी, अब इनसे पूछते। तो ये इनके हमसाए हैं, पड़ोसी हैं, अभी इनसे पूछते हैं। सर आप बताएं, आप बहुत जानते होंगे इनकी निहारी के बारे में। मैं तो अपने बड़ों के साथ में आता था इनकी दुकान पर निहारी खाने के लिए, इनके वालिद साहब बैठा करते थे, बहुत छोटा सा था, इनकी उंगली पकड़ के आता था मैं, वो हमें सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर आते थे और यहाँ हम निहारी खाकर जाते थे। वो जायका आज तक ना तो भूले हैं ना ही भूलेंगे हम कभी, कि बहुत टेस्टी निहारी होती है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, आप खाएंगे तब पता लगेगा। अच्छा, कौन सी पीढ़ी है इनकी? ये तीसरी पीढ़ी चल रही है। तीसरी पीढ़ी, तो आज आपने नारी नहीं खाई? अभी साथियों का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, साथियों का, लेकिन थोड़ी सी बची, हमें जरूर खानी है। बिल्कुल आप खाएंगे, क्यों नहीं, हम आपको खिलाएंगे, आप हमारे मेहमान हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच। और ये सर हैं यहाँ के ओनर, अभी इनसे भी बात करेंगे। असल में हम लोग स्पेशली जो आए हैं सर से बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि इनकी एक शर्त थी कि मैं थोड़ी गर्मी आती है यहाँ पर नहीं मिलूंगा,
तो सर आप बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? 40-45 साल हो गए ये मेरे को। अच्छा, काम करते हैं। कौन सी पीढ़ी आप सारी बात बताएं? पीढ़ी तो तीसरी है मेरी, पहले दादा करते थे काम, अब्दुल आजी सिद्धू, इसके बाद आजी अलीमुद्दीन, इसके बाद भाई बैठे बड़े, इसके बाद मैं बैठा हूँ। और ये देखिए, ये है मटन भेजा, ये गया। और कितने रुपए का होता है बाउल? 150 रुपए का। वेरी गुड। और गोश्त देखिए जरा आप, कितना ज्यादा टेंडर गोश्त है और एकदम पिंक गोश्त है। निहारी की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि गोश्त बहुत शानदार होता है, बाकी गोश्त की क्वालिटी की भी बात होती है। ये वाइट, ये देखें, जिंदाबाद। और निहारी जैसे जैसे ख़त्म होती जा रही है और ज़्यादा ये इसकी थिकनेस और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और निहारी जितने ज़्यादा आप मींस की निहारी का लेवल जितना कम होता रहेगा, जायका उतना ही उसका बढ़ता रहता है। ये गई तरी। ये देखिए, ये अपना प्लेट है, ये है भेजा, मटन भेजा। और अभी लगने जा रही है अपनी निहारी। पीस देख लीजिए पहले आप, इतने ज्यादा टेंडर होते हैं पीस। निहारी का जो मजा है वो लास्ट में जो निहारी रह जाती है, जिसके अंदर आप देखिए बारीक बारीक रेशे हैं जो मेल्ट हो चुके हैं, ये असली टेस्ट होता है निहारी का। वेरी गुड। ये देखिए, ये गया अपना मक्खन। तो ये देखिए निहारी, शानदार निहारी और भेजा, मेरी लाइफ की असली खुशी निहारी। तो खैर चलिए शुरू करते हैं, ये करारी रोटी, मेरा फेवरेट पार्ट रोटी का। और आज नाश्ते में खाएंगे हम लोग निहारी। तो एक सर का कमेंट आया था पाकिस्तान से कि मैडम आप गलत बोलते हो, ये नहारी होता है ना कि निहारी होता है। तो देखिए मुझे क्लियर नहीं है, मैं शुरू से निहारी बोलती हूँ इसलिए मैं खुद भी निहारी बोलती हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि निहारी होता है या नहारी होता है। बाकी जितना मुझे पता है मुझे लगता है कि निहारी ही होता है, बाकी हो सकता है कि मैं गलत हूँ। एक नंबर निहारी, जिंदाबाद। ये वो लोग हैं जिनकी तीसरी पीढ़ी है से निहारी बनाते हुए। अभी जो ओनर हैं, अभी ये बैठते हैं, इनके बेटे भी बैठते हैं, इनके फादर भी बैठते थे और इनके फादर के फादर भी बैठते थे। मसाले में कोई बदलाव नहीं आया है, इसलिए टेस्ट में भी कोई बदलाव नहीं है। एक नंबर निहारी है। तो अभी भाजी ने इनका भेजा, मटन भेजा, देखें तो भेजा है मैंने, इसलिए अलग निकलवाया है क्योंकि दोनों का मैं टेस्ट सेम नहीं करना चाहती थी। निहारी का टेस्ट अलग और भेजे का टेस्ट अलग। जिंदाबाद। अच्छी बात यह है कि भेजे में कोई स्मेल नहीं है। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि मैंने जितनी बार भेजा खाया उसमें स्मेल होती है, बाकी मैंने मोस्टली जो भेजा खाया है उसमें मुझे स्मेल होती है, बाकी इसमें स्मेल नहीं है। बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है इन्हें।
निहारी बनाने का। तो जब सबसे पहले मैंने यहाँ की निहारी की वीडियो शूट की थी शाम की, तब उस वक्त यहाँ पर सुबह की निहारी का जो सेटअप है वो तैयार हो गया था। मीन्स शाम से निहारी बननी शुरू होती है यहाँ पर, वो सुबह तक पकती है, सुबह बाजार में खुलती है, उसके बाद लोग यहाँ पर आते हैं अपनी निहारी इंजॉय करते हैं। बाकी मसाले बहुत बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि बहुत तीखा है, नहीं नहीं तीखा नहीं है, बिल्कुल बैलेंस मसाले हैं। दिल खुश हो जाएगा आपका अगर एक बार यहाँ पर आकर निहारी खाते हैं। तो खैर मैं कैमरे को ऑफ करूँगी, निहारी बेटा इंजॉय करूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए निहारी मैंने खा ली, अल्हम्दुलिल्लाह निहारी बहुत अच्छी है। और एक चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि जो निहारी हम शाम में खाते हैं उसका अलग टेस्ट होता है, और जो निहारी हम सुबह में खाते हैं उसका अलग टेस्ट होता है। बेसिकली मैंने यहाँ की शाम की भी निहारी खाई और सुबह की भी निहारी खाई है। मुझे सुबह की निहारी मतलब कि जो मैं इस वक्त निहारी खा रही हूँ मुझे बहुत पसंद आई है। और ये जो सर हैं जो इस वक्त निहारी का सेटअप खोले हुए हैं, ये एक दिन छोड़कर एक दिन इनका ओपन होता है। तो इनका एड्रेस मैं और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप सर को कॉन्टैक्ट करें, इनसे क्लियर करें कि कौन से दिन आपका सेटअप खुल रहा है, एक बार आप इनकी निहारी जरूर इंजॉय करें। तो खैर इसी के साथ इस वीडियो को करूंगी मैं यहीं पर खत्म। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फैमिली मेंबर को शेयर कीजिए। बाकी सारी चीज़ें इनका कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाइए लीजिए और इस निहारी को एक बार जरूर इंजॉय कीजिए। और हाँ अच्छे अच्छे खाने खाते रहिए, अच्छी अच्छी निहारी खाते रहिए। अपना ख्याल रखिए।